हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अभी यहाँ पे आज हम बात करने वाले कि रेलवे जो है कांस्टेबल का, या आरपीएफ कह सकते हैं कांस्टेबल का, आपका जो है रिज़ल्ट आ चुका है। जो सी और ग्रुप डी का जो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया था, ठीक, बाकी जो ग्रुप का था आ चुका था। तो फाइनली यहाँ पर सी और डी का भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक। इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई और एफ, ठीक है, इतने सारे ग्रुप वाइज हो रहे थे एग्ज़ाम, जिसमें कि आपका ग्रुप ए में जो था यहाँ पे जो था आ चुका था रिज़ल्ट, ग्रुप बी का भी आ चुका था, सी और डी का नहीं आया था, और बाकी ग्रुप ई और एफ़ का भी आ चुका था। तो बात है कि यहाँ पे कि जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी के दोनों के थे। अब आइए कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है, तो इसके बाद हम आप लोग को चलिए दिखाते हैं जो पहला आया था इसका जो कट ऑफ, ठीक है, नॉर्मलाइज जो कट ऑफ आया था, नॉर्मलाइज होने के बाद जो आर पी एफ का कट ऑफ आया था, जिसमें कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप एफ का, ठीक। अब है कि सी और डी का क्या रह सकता है, खासकर बात करें यहाँ फीमेल कैटेगरी का या फिर मेल कैटेगरी का, तो क्या रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की बात होगी, तो सबसे पहले हम ग्रुप ए का दिखाते हैं कि मेल और फीमेल का क्या गया था कट ऑफ। अगर मेल कैटेगरी के यहाँ पे देखें, तो मेल कैटेगरी में जो एक ग्रुप ए का गया था, जो नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद 79.75 गया है। वहीं बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का मेल का जो मीन्स की मेल कैटेगरी की बात करें, तो 93.55 गया, मीन्स के यहाँ जनरल से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है। वहीं एससी कैटेगरी का देख लीजिए, और एसटी का, तो एससी कैटेगरी का 77.29 और एसटी कैटेगरी का 76.71, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे फीमेल कैटेगरी, ये तो मेल कैटेगरी का हो गया। अब यहाँ पे आई फीमेल कैटेगरी की भी यहाँ देख लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें, तो जनरल कैटेगरी का कितना गया, 47.69 गया था, ओबीसी का 46.67 गया था, एससी कैटेगरी का 41.24 और एसटी कैटेगरी का 38.49, ये तो हो गया। अब है कि यहाँ पे ग्रुप बी की बात करें, तो ग्रुप बी में अगर मेल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी 87.15, ओबीसी का 88.35, एससी का 83.73, एसटी का 76.69। वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी का, तो ओबीसी का 49.81, जनरल कैटेगरी का 57.91 और यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करें, तो 43.27 और एससी कैटेगरी का 49.58। तो कहने का मतलब कि ग्रुप ए ग्रुप में भी आपने देखा फीमेल कैटेगरी का मेल से काफ़ी कम रहा है, ठीक है। और ग्रुप एफ की भी यहाँ पे हम बात कर लेते, जो ग्रुप एफ सिर्फ मेल कैटेगरी का था, जिसमें कि जनरल का 86.89, ओबीसी का 84.19, एससी कैटेगरी का 70.51 और एसटी का 68.22। अब है यहाँ पे सवाल कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का, अगर हम बात यहाँ पे करें फीमेल कैटेगरी, है ना, बात करें यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का क्या कट ऑफ जाएगा। मेल कैटेगरी वाले तो आप जान लीजिए कि अगर मेल कैटेगरी की हम यहाँ पे बात करें, तो अभी इसका इसका ऑफिशियल जो है कट ऑफ नहीं आया, लेकिन हाँ रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। इसका जो है रिजल्ट अभी आ चुका है, उसका जो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका जो है सिलेक्टेड जो कैंडिडेट का लिस्ट आ चुका है। अगर जिनका आ चुका है, तो ये मान के चलना कि मेल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो मेल कैटेगरी का जो है कि 80 से 90 के आसपास में ही होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ फीमेल कैटेगरी वाले, तो यहाँ थोड़े से फीमेल कैटेगरी आप लोग ध्यान दें। फीमेल कैटेगरी में आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो 47 जनरल और 46 ओबीसी, और एससी का जो यहाँ पर देख लीजिए, तो 47 या 46 मीन्स की 47 के आसपास में, 46-47 के आसपास में ग्रुप बी की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी में देख लीजिए 40 कितना है भाई, 57 और 49 है, लगभग नियरेस्ट 60 के आसपास में गया, यहाँ पे 50 के आसपास में गया, ठीक है। वही बात करें ग्रुप एफ में, तो ग्रुप एफ में तो मेल का है होता है, फीमेल का तो है नहीं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी से क्या आपको पता चला कि ग्रुप ए में अगर देखें, तो 47 है जनरल का, और अगर बात करें ओबीसी का, तो 46 है। तो ओवरऑल यहाँ पे फिर अगर ग्रुप बी में देखते हैं, तो ओबीसी का कितना है भाई, फीमेल कैटेगरी का 57 है और 49 है। अब यहाँ पे खुद एनालिसिस आप कर सकते हैं, फीमेल कैटेगरी वाले ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो फीमेल कैटेगरी जो महिला है, उनको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए, तो मिनिमम जो 46 रहा और मैक्सिमम 57 रहा। तो ओवरऑल जो आपका सी और डी का भी होगा, अभी तो ऑफिशियल आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन जहाँ तक अगर जिनका भी रिजल्ट हुआ है, ये मान के चलना कि उनका जो होगा कट ऑफ जो होगा कि 55, ठीक है, 55 के आसपास में ही कट ऑफ होगा, 55 से लेकर 60 के अंदर ही में कट ऑफ होगा, 60 प्लस होगा नहीं, तो 55 से लेकर 60 के आसपास में ही कट ऑफ होगा। और जिनका यहाँ पे 70 प्लस, जिनका भी इनका 70 प्लस हो रहा होगा, जिनका भी 70 प्लस मार्क्स अगर आएगा, ठीक, उनका अगर आ रहा होगा, अगर आंसर किया आया था उस समय, अगर उनका 70 प्लस या 75 प्लस आ रहा है, तो इतना श्योर है कि उनका मेरिट आराम से बन सकता है। क्योंकि इसके बाद क्या है आपका, अब इसके बाद फिजिकल होने वाला है, ठीक है, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद
आपका फिजिकल मेडिकल का रिजल्ट आ जाएगा तो फाइनली मेरिट बनेगा। जिनका भी मेरिट में अगर कट ऑफ से 20-25 प्लस होगा, 20 या 25 मार्क्स ज़्यादा होंगे, उन्हीं का रिजल्ट होगा, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो गाइज यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है कि रेलवे कांस्टेबल का था, आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो था सी और डी का नहीं आया था, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियाँ जो इंतज़ार कर रही थी कि रिजल्ट नहीं, तो फाइनली आ चुका है। आप लोग अपने अपना रिजल्ट चेक कर ले और कटअप भी कुछ समय में आ ही जाएगा, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।